शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, जिस बात का जिक्र हिमांशु कर रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि क्या जीतन राम मांझी अब बिना मंत्री पद लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि एक बार तो मान मनोबल चल गया, अब की बार वो अपनी बात मनवा कर ही दम लेंगे। नहीं देखिए, जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और इसको लेकर के कोई आज नई चर्चा नहीं हो रही है। जब बीजेपी के नंबर फंस गए हैं, जीतन राम मांझी ने जो गया में चुनाव लड़ा नेहा, हम वहाँ खुद गए थे और हमने देखा उनके चुनाव कैंपेन को भी, वो एक ही नारा देते थे या उनकी पार्टी के लोग देते थे कि आप सांसद नहीं केंद्र में मंत्री चुनिए, और इसी चुनावी नारे के साथ उन्होंने पूरा कैंपेन चलाया और अब तो उनको बहुत भरोसा है। लगातार हमसे बातचीत में भी वो कहते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने उनको भरोसा दिया है कि वो केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होंगे। अब तो एनडीए की बारी आई है, मतलब सिर्फ बीजेपी के अकेले दम पर बहुमत है नहीं, तो जाहिर तौर पर जो सहयोगी दल हैं उनको कुछ ना कुछ मिलना है, कुछ को थोड़ा ज़्यादा मिलना है, कुछ को अगर कम भी मिले, लेकिन मिलना सबको है। तो ऐसे में जीतन राम मांझी भले ही अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, लेकिन वो भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं, थोड़ी देर में या तो पहुंच गए होंगे या पहुंचने वाले होंगे। चर्चा कर लेते हैं, पहले आमने सामने थे नीतीश कुमार और पीछे उनकी सीट पर बैठे थे तेजस्वी यादव, फिर यात्रा खत्म होते होते दोनों अगल बगल सीट पर आ गए। अब क्या खिचड़ी पकी, क्या बातचीत हुई, इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि अभी तक ऐसी तस्वीर नहीं आई थी चुनाव तक जिसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ साथ दिखाई दिए हों। नहीं, बिल्कुल ऐसी तस्वीर नहीं आई थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने बड़ा एक ख्याल रखा है, जो मर्यादा है उन्होंने रखी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, और नीतीश कुमार ने भले ही लालू यादव उनके परिवार या उनके बाल बच्चों की संख्या पर नीतीश कुमार बोलते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव ने हमेशा कहा कि चाचा उनके लिए सम्मानजनक हैं, वो हमेशा रहेंगे। तो तेजस्वी यादव ने जो स्टैंड अपनाया नेहा पूरे चुनाव कैंपेन में, शायद उसका आगे वो फायदा लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। दोनों एक ही साथ एक ही फ्लाइट में सवार हुए थे, पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी, वीडियो दिखाया था, अब ये तस्वीर सामने आई है। जो लोग फ्लाइट में मौजूद थे, ये प्रीमियम क्लास की तस्वीरें हैं, उनका ये कहना है कि जब फ्लाइट काफी टाइम से हो गया था टेक ऑफ के बाद, उसके बाद नीतीश कुमार के बगल में जाकर तेजस्वी यादव बैठे, उनका अभिवादन वो पहले ही कर चुके थे, नीतीश का हालचाल लिया, नीतीश ने भी तेजस्वी की हाल जानकारी ली, उनके तबीयत के बारे में, उनके कमर के दर्द के बारे में, और कोई लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत से दूर रह गई है, ये कल के नतीजों से साफ है। सत्ता की चाबी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में अब है। अब आपको हम बता चुके हैं कि सौदेबाजी का दौर शुरू हो चुका है, दोनों ही नेता एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन उनके रुख को लेकर अटकलें तेज हैं। आखिर ये अटकलें क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। विमान की अगली सीट पर नीतीश कुमार और ठीक पिछली सीट पर तेजस्वी यादव। केंद्र में सरकार बनाने के लिए जारी सरगर्मी के बीच आज सुबह बिहार की सियासत के चाचा भतीजे की ये दिलचस्प तस्वीर सामने आई। नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शिरकत करने के लिए पटना से दिल्ली चले थे और तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने आ रहे थे। मकसद दोनों का दिल्ली में सरकार बनवाना है, यानी एक कश्ती के मुसाफिर वाली कहावत इस तस्वीर के साथ खूब जम रही है। लेकिन नीतीश और तेजस्वी के साथ विमान में आगे पीछे के सफर ने दिल्ली के सियासी गलियारे को अटकलों से गर्म कर दिया। अटकलें हैं कि चाचा भतीजे में क्या बात हुई, क्या भतीजे ने चाचा से इंडिया गठबंधन के लिए कोई मदद मांगी, क्या नीतीश फिर पाला बदल सकते हैं। पिछले दिनों तेजस्वी ने ये बयान देकर अटकलों का बाजार गर्म कर दिया था। जहां तक 4 जून के बाद की बात है, हमारे चाचा पिछड़ों की राजनीति और पार्टी को बचाने के लिए कोई भी निर्णय ले सकते हैं 4 जून के बाद। जोरदार कर्तव्य ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। दरअसल अपने सियासी करियर में नीतीश अप्रत्याशित तरीके से इतनी बार पाला बदल चुके हैं कि उन्हें लेकर कोई ठीक ठीक दावे नहीं कर सकता। एक वक्त था जब नीतीश कुमार के बारे में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा था कि नीतीश के पेट में दांत है। हम लोग उसी परिवार के लोग हैं महोदय, चाहे मुलायम सिंह जी हो और कोई हो या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है।
लालू के इस बयान के पीछे की वजह है नीतीश की पाला बदल सियासत। 74 के आंदोलन में लालू के साथी रहे नीतीश ने लालू से अलग होकर 1994 में समता पार्टी बनाई। दो साल बाद वो 1996 में एनडीए का हिस्सा बन गए। बीजेपी में नरेंद्र मोदी का कद बढ़ने के बाद 2014 में नीतीश एनडीए से अलग हो गए। 2015 में लालू के साथ महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा, जीते और सीएम बने। लेकिन 2017 में लालू परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अलग हो गए, बीजेपी के साथ सरकार बना ली। 2022 में नीतीश ने फिर सियासी पलटी मारी और बीजेपी से रिश्ता तोड़कर महागठबंधन की सरकार बना ली। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने फिर पाला बदला और इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का हिस्सा बन गए। इतने सारे पाला बदल की वजह से ही नीतीश को लेकर सवाल उठते रहे, हालांकि वो लगातार कहते रहे हैं कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे। आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, ताज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। अब जबकि बीजेपी अपने दम पर बहुमत से दूर रह गई है, बीजेपी के लिए नीतीश का साथ जरूरी हो गया है। हालांकि जेडीयू का दावा है कि नीतीश एनडीए के साथ है। वो तो बराबर रहे हैं, नेता का जो कार्य रहा है, नेता का काम करने का तौर तरीका रहा है, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा है, जनता का आशीर्वाद प्यार रहा है, निश्चित तौर पर जब तक वो जिंदा रहेंगे सुपर बन के रहेंगे देश के अंदर। नीतीश की हालिया सियासत पर नजर डालें तो बीजेपी से हाथ मिलाने से पहले पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में वो सक्रिय थे। इंडिया गठबंधन की नींव उन्होंने ही डाली थी। उन्हें पीएम मोदी के विकल्प के रूप में विपक्ष का बड़ा चेहरा माना जा रहा था, लेकिन इंडिया गठबंधन में पीएम के दावेदार का चेहरा बनने से जब वो चूक गए तो फिर पाला बदल कर एनडीए के खेमे में चले गए। अब एक बार फिर नीतीश के लिए ऐतिहासिक घड़ी है। आज तक ब्यूरो।